कल जो किराना बाजार कपड़ बाजार में इंक्रोचमेंट के तालुक से कॉरपोरेशन वालों की जो धांधली हुई थी, सैयद अहमद साहब एक्स मेयर नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट, रियाज भटको साहब मेरे साथी कॉरपोरेटर, अजहर बागवान मेरे साथी कॉरपोरेटर और मैं खुद पर्सनली वहां स्पॉट पे कल दोपहर में मार्केट में जाके पूरा मुआयना किए और जिसका भी कल माल जो सीज करके लेकर गए थे कॉरपोरेशन ऑफिसर वो माल वापस कर रहे हैं तमाम मार्केट वालों को कारोबारियों को। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road. कल जो मार्केट में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे सिटी कॉर्पोरेशन ने एंक्रोचमेंट ड्राइव करने की कोशिश की थी, वहां पे हमारे MLA मैडम कनीज फातिमा जी, फराजुल इस्लाम साहब का, अहमद साहब का डायरेक्शन आया था कि हम तमाम लोग वहां पे जाए और वहां का मुआयना करें और देखें कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये ड्राइव की जा रही थी। उसके बाद सैयद अहमद साहब एक्स मेयर नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट, रियाज भटको साहब मेरे साथी कॉरपोरेटर, अजहर बागवान मेरे साथी कॉरपोरेटर और मैं खुद पर्सनली वहाँ स्पॉट पे कल दोपहर में मार्केट में जाके पूरा मुआयना किए और अधिकारी जो है ऑफिसर्स तमाम लोगों से बात करके एक बात पे ये नतीजे पे पहुँचे कि MLA मैडम कनीज फातिमा जी परसों कल गुलबर्गा में रह रहे हैं। उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मार्केट के, एक टास्क फोर्स मीटिंग के तहत MLA मैडम कनीज फातिमा जी अधिकारियों से बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे और उनके मसले हल करेंगे। उस बात पे कायम होने के बाद आज जो भी माल जब्त किया गया था वो माल वापस कर रहे हैं तमाम मार्केट वालों को, कारोबारियों को और उनको हम भरोसा दिए हैं कि कल के दिन मार्केट का कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तमाम कॉरपोरेटर्स और MLA मैडम कनीज फातिमा जी उनके साथ है और कल का इश्यू बहुत ही पीसफुली हैंडल करके जो भी चीज़ हुई थी ऑफिसर को बुला के बात करा के एक अच्छे मुतमिन तरीके से मामले को ख़त्म कराए MLA मैडम कनीज फातिमा जी के डायरेक्शन पे। और आज हम फिर मौजूद है ये देखने के लिए कि सबका जिसका भी माल जब्त किया गया था वो उनको वापस किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिटी कॉरपोरेशन के स्टाफ ने हमारे साथ कॉपरेट किया और मार्केट के लोग ने भी हमारे साथ कॉपरेट करके हमारी एक बात पे अपने स्ट्राइक कॉल ऑफ किए, अपने स्ट्राइक बंद किए और हम आज भी आपके माध्यम के थ्रू उनको भरोसा दिलाते हैं क्योंकि हर मसले में और हर मसाइल में उनके साथ रहेंगे और उनके मसले हल करके देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, कॉरपोरेटिव की जिम्मेदारी है कहते हुए मैं रियाज भट्टो साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह दो बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्ते। कल जो किराना बाज़ार कपड़ बाज़ार में जो इंक्रोचमेंट के तालुक से कॉरपोरेशन वालों की जो धांधली हुई थी जिस पे हमारे MLA नाथ कनीज फातिमा साहिबा ने हमें फ़ोन कर वहाँ पे भेजा, हमने जाके वहाँ मार्केट में सभी व्यापारियों से मिला, मिलने के बाद में उनकी समस्याओं को जाना और जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, जो भी कॉरपोरेशन के तरफ से उनको हरेसमेंट हो रही थी, तो सभी कॉरपोरेशन कमिश्नर से, सभी अधिकारियों से बात कर, बुला कर उनको बात करके समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की और फिलहाल जो है उसमें हम कामयाब भी हो गए। आने वाले एक दो दिन में MLA साहिबा गुलबर्गा आ रहे हैं, व्यापारी एसोसिएशन के जितने भी लोगों को एक आश्वासन दिया गया है कि मैडम आने के बाद में व्यापारी वर्ग और सिटी कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी हैं और जो भी लोग हैं इससे रिलेटेड वो सब लोगों को बुलाया जाए और बुलाने के बाद में जो भी बेहतर सिटी के लिए हो सकता है वो इंशाल्लाह वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला होगा जिसका भी कल माल जो सीज करके लेकर गए थे कॉरपोरेशन ऑफिसर उनको बुला कर, व्यापारी हमारे रोहित भोगी है और भी हमारे राजस्थान में भाई हैं, सभी लोगों को बुला के आज उनका माल उनको हैंडओवर करने का काम हमने, मैं मेरे साथी अजमल गोला साहब ने आज उसको अंजाम दिया है और आने वाले कल में मैं व्यापारियों को बिहाफ हमारे MLA मैडम साहिबा की जानिब से ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कारोबार कीजिए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, हाइएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, आपको किसी को डर दबक के काम करना नहीं चाहिए, जो भी अपनी सीमाएं हैं उस सीमाएं में रहकर काम करो, हम आपके साथ में हैं, MLA मैडम आपके साथ में, पूरी सरकार आपके साथ में है,
कोई भी आपसे मिसबिहेवियर नहीं कर सकता, और करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो भी करा है उसको 100% हम पनिशमेंट देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी व्यापारियों को आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप खुलकर कारोबार कीजिए, आपके साथ में हम लोग हैं, MLA मैडम है, 24/7 आपके सर्विस में हम लोग रहेंगे। इतना कहते हैं मतलब।